नमस्कार दोस्तों, अगर मैं आपसे ये कहूँ कि आप ट्रिग्नोमेट्रिक वैल्यूज़ को बिना रटे बड़ी आसानी से सिर्फ अपनी उंगलियों को देखकर याद कर सकते हैं, तो क्या आपको इस बात पर यकीन होगा? शायद नहीं। लेकिन आज के इस वीडियो में मैं आपको ऐसी ही एक ट्रिक के बारे में बताने वाला हूँ। सबसे पहला काम जो आपको करना है वो ये कि आपको अपने लेफ्ट हैंड को लेना है और उसमें एंगल्स को कुछ इस तरीके से लिखना है, 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री। अगर आपको साइन के कोई एंगल के लिए वैल्यू निकालनी है तो आप ये फॉर्मूला यूज़ करेंगे, साइन थीटा इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ फिंगर्स बिलो अपॉन 2। चलिए इस चीज़ को मैं आपको एक एग्जांपल से समझाता हूँ। मान लीजिए हमें साइन 0 डिग्री की वैल्यू निकालनी है, तो इसके लिए सबसे पहले हमें ये देखना है कि 0 डिग्री के नीचे हमें कितनी उंगलियां नज़र आ रही हैं। ये रहा 0 डिग्री और इसके नीचे हमें एक भी उंगलियां नज़र नहीं आ रही, इसीलिए हम लिखेंगे अंडर रूट ऑफ 0 / 2, जो कि आएगा 0, यानी साइन 0 डिग्री की वैल्यू 0 होती है। चलिए एक और एग्जांपल ले लेते हैं। मान लीजिए हमें साइन 60 डिग्री की वैल्यू निकालनी है, तो हमने देखा कि 60 डिग्री के नीचे हमें 3 उंगलियां नज़र आ रही हैं, इसीलिए हम लिखेंगे अंडर रूट ऑफ 3/2 और यही होती है साइन 60 डिग्री की वैल्यू। तो आपने देखा कि कितनी आसानी से सिर्फ अपनी उंगलियों को देखकर हम साइन थीटा की वैल्यू निकाल सकते हैं। अब बात करते हैं कॉस थीटा की। कॉस थीटा की वैल्यू निकालने का फॉर्मूला है अंडर रूट ऑफ फिंगर्स अबव 2। यानी साफ है, कॉस थीटा की वैल्यू निकालते समय हमें ये देखना है कि हमारे एंगल के ऊपर कितनी उंगलियां हैं। फॉर एग्जांपल हमें कॉस 30 डिग्री की वैल्यू निकालनी है, तो हमने देखा कि 30 डिग्री के ऊपर हमें 3 उंगलियां नज़र आ रही हैं, इसीलिए हम लिखेंगे अंडर रूट ऑफ 3/2 और यही होती है कॉस 30 डिग्री की वैल्यू। चलिए एक और एग्जाम्पल ले लेते हैं। मान लीजिए हमें कॉस 90 डिग्री की वैल्यू निकालनी है, तो हमने देखा कि 90 डिग्री के ऊपर एक भी उंगली नहीं है, इसीलिए हम लिखेंगे अंडर रूट ऑफ 0/2, जो कि होगा 0, यानी कॉस 90 डिग्री की वैल्यू 0 होती है। अब बारी है टेन थीटा की। टेन थीटा की वैल्यू निकालने का फॉर्मूला है टेन थीटा इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ फिंगर्स बिलो डिवाइड बाय अंडर रूट ऑफ फिंगर्स अबव। इसको एक एग्जांपल से समझते हैं। मान लीजिए हमें टेन 45 डिग्री की वैल्यू निकालनी है, तो हमने देखा कि 45 डिग्री के नीचे 2 उंगलियां हैं, तो न्यूमरेटर में हम लिख देंगे अंडर रूट 2। 45 डिग्री के ऊपर 2 उंगलियां हैं, तो डिनोमिनेटर में भी हम लिख देंगे अंडर रूट 2। अंडर रूट 2 अपॉन अंडर रूट 2 यानी कि 1, यानी टेन 45 डिग्री की वैल्यू 1 होती है। वन लास्ट एग्जाम्पल, हमें 10 90 डिग्री की वैल्यू निकालनी है, तो हमने देखा कि 90 डिग्री के नीचे 4 उंगलियां हैं, तो न्यूमरेटर में हम लिख देंगे अंडर रूट 4। 90 डिग्री के ऊपर एक भी उंगली नहीं है, तो डिनोमिनेटर में हम लिख देंगे अंडर रूट ऑफ 0। अब आप सभी को पता है कि किसी भी नंबर को 0 से डिवाइड करने पर कोई भी आंसर नहीं आता, वो अनडिफाइंड होता है, यानी 10 90 डिग्री अनडिफाइंड होगा। तो आपने देखा कि कितनी आसानी से हमने सिर्फ अपनी उंगलियों को देखकर साइन, कॉस और टेन की वैल्यू निकाल ली। एक बार इनकी वैल्यू आपको पता चल जाए तो आप बड़ी आसानी से इनका रेसिप्रोकल करके कॉसेक, सेक और कॉट की वैल्यू पता कर सकते हैं। आई होप आप सभी को ये वीडियो पसंद आया है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।